एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी तालाब कुंड कुआं किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया, देव दीपावली का दिन हो, सात पुष्प, कितने फूल, सात पुष्प, देव दीपावली के दिन कोई भी सात पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, सात पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, सातों पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर सात घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए, सातों दीप की पूजन करिए और पूजन कर वो सात पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन सातों पुष्प को दिन भर में से कभी भी देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो सातों पुष्प को अपनी कामना कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो सात पुष्प, सात दीप, सुख देने वाली देव दीपावली। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं। अमावस्या के दो दिन, एक दिन पूर्ण हुआ, दूज के दिन लक्ष्मी जी फिर राजा बलि के पास पहुंचे, जिसको कहते हैं यम द्वितीया। बोले बोल बहन तुझे क्या चाहिए? इतने में तो तुरंत लक्ष्मी जी बोली, भैया वचन दे, जो मांगूंगी दे देगा। राजा बलि बोले, मांग ले बहन, क्या चाहिए? बहन कहती है, भैया जो 3 दिन का तूने पुण्य 13, 14,
दीपावली का तेरे पास आया है, पूर्णिमा के दिन मुझे वापिस चाहिए। जो व्यक्ति राजा बलि का किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण करा।